TAG TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. TAG TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं अनम तारिक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मौलाना फजल रहमान का 27 अक्टूबर को आजादी मार्च का ऐलान। वजीर आजम की तालिबान से कोई मुलाकात नहीं हुई, वजीर इत्तलात। पाक भेड़िया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का मलाइशिया का दौरा। इमरान खान 5 लोगों को NRO दे दें, तहरीकें खत्म हो जाएंगी, शेख रशीद। हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास फ्राहम नहीं की गई, डॉक्टर अदनान। कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने 27 अक्टूबर को आजादी मार्च का ऐलान कर दिया है। आजादी मार्च के ऐलान की तारीख पीपल्स पार्टी और नून लीग के मशवरे से तय की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। आज़ादी मार्च के ऐलान की तारीख पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत से तय की गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा और उन्हीं मुजाहरों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाहेली से मुल्क की मईशत डूब चुकी है, हम इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। मुल्क भर से काफिले इस मार्च में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत जाली इलेक्शन की हुकूमत है, इस हुकूमत को जल्द चलता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासी जमातों में जल्दी इलेक्शन के मुतालबे पर इत्तफाक हुआ है, किसी भी मामले पर हुकूमत से मुफाहमत नहीं होगी। मुल्क इस वक्त रिस्क पर है, मुल्क की बका का सवाल पैदा हो गया है। अगर रुकावट डाली गई तो फिर पहली स्कीम, फिर दूसरी स्कीम और फिर तीसरी स्कीम होगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ मुफीद गुफ्तगू हुई, हुकूमत को घर भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च की तारीख नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से तय की गई है। हमने आज फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया में कश्मीरी आवाम इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, हम उनके साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे और यकजहती के उन्हीं मुजाहरों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा, पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद पे आकर दम लेंगे और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये हमारा एक फैसला है। वज़ीर आज़म की मावन ख़ासूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक ऐवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान वफ़द के मुलाकात की तरदीद कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म के माबून खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिकवान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तालिबान वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान वफ्द के साथ गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात का इनेकाद मफाहमती अमल के लिए नेक शगुन है। उम्मीद है कि इससे अनकरीब मुस्बत नतायज हासिल होंगे। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि ये अमल इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुस्बत माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान वफ्द की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान वफ्द की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस ज़मन में नशर और शाया होने वाली खबरों में सदाकत नहीं। गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुक्काम और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने की, जबकि 12 रुकनी तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने की। मुज़ाकरात के बाद खबर सामने आई कि तालिबान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशियत सबसे बड़ा चैलेंज है, वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। समझ से बाहर है मौलाना ने आज़ादी मार्च का ऐलान कैसे किया, मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा है कि यकीन है शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। इमरान खान 5 लोगों को NRO दे दें, तहरीकें खत्म हो जाएंगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। समझ से बाहर है मौलाना ने आज़ादी मार्च का ऐलान कैसे किया, आसिफ जरदारी खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मौशी सूरत हाल का सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, यकीन है इमरान खान सियासतदानों को डील कर लेंगे। मैं जब इस्लामाबाद से चला था तो मुझे ऐसी खबरें थी कि मौलाना साहब राजी हैं, लेकिन ये क्या हुआ 24 घंटों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ जो है इस लॉन्ग मार्च या जो भी इसको कहें उसका हिस्सा नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब चिलमन के पीछे पूरी उनकी कोशिश होगी। मसला क्या है आज मैं कराची के सामने रखना चाहता हूं, 5 आदमियों को इमरान खान NRO दे दे, ये सारी तरीके खत्म हो जाएंगे। मैं कौम के सामने इतराफ करता हूं कि मैंने ये गलती की, मैंने इमरान खान को कहा दफा करो, जाने दो इनको, ये बड़े कंजूस और बड़ी खुदा की सजा में इनको, ये इन्होंने हमारी दौलत को लूटा, थोड़ा थोड़ा टोकन मनी लेके, ये टोकन मनी देने के लिए भी तैयार नहीं थे, खास तौर पर नवाज शरीफ। आसफ जरदारी मिट के खाता है, आसफ जरदारी जो है वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है और उनके जरिए खाता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मालिक डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास नहीं फराहम की गई, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मालिक डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमती दावों के बावजूद मरियम नवाज को जेल में बेटर क्लास फराहम नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर अदनान खान ने एक बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कोच लखपत जेल में मुलाकात की है। मरियम नवाज को छोटे से सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज को खटमलों और मच्छरों से मुतासर सेल में बुनियादी सहूलियात तक मयसर नहीं, उन पर खाना और दीगर अशिया जरूरिया भी घर से मंगवाने पर पाबंदी है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि जेल कानून के मुताबिक बेटर क्लास मरियम नवाज का हक है। वाज़ह है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में नायब की हिरासत में है। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है, मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम ने हैदराबाद में कार्रवाई की और ताहाल इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैलियाँ तहवील में ले ली गयी। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कहना है की तहवील में लिए गए प्लास्टिक बैग्स की मोटाई 30 माइक्रोन से कम थी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा की प्लास्टिक बैग्स के ताहाल इस्तेमाल के खिलाफ कराची हैदराबाद समेत सिंध भर में
लिए कार्रवाइयाँ होंगी। उन्होंने कहा कि आवाम 30 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करें क्योंकि ये हमारे माहौल को आलूदा करते हैं जबकि इनको जलाने से भी गुरेज किया जाए। मुर्तजा वहाब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शहरियों की जानिब से इस अमल को बेहतरीन करार दिया जा रहा है। तमाम इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रोजगार की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है। एक दुकानदार अली शहजाद का ज़राए बलाग़-ए-आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इदारों को ये मालूम ही नहीं कि चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई। अगर हुकूमत के अहकामात को देखा जाए तो ये अच्छा इकदाम है। असल में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अभी इस चीज़ का सही पता नहीं है क्या चीज़ बैन है और क्या चीज़ बैन नहीं है। जो हुकूमत ने हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो उसको मान नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि ऑल प्लास्टिक, जो भी चीज़ प्लास्टिक से रिलेटेड है, चाहे वो जनरल आइटम है चाहे वो पैकेजिंग आइटम है, सब बैन है। तो हम उनको समझा रहे हैं पर वो समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह समझ जाएंगे वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ बैन करी हुई है अगर वो उस चीज़ को एस एच लेके चलें तो वो चीज़ ठीक है। गवर्नमेंट ने सिर्फ कैरी बैग, जो शॉपिंग बैग है, उसके ऊपर पाबंदी है और वो भी कुछ साइज़ लेस कर दिए हैं और जो साइजेज उन्होंने करे हैं वो केमिकल वाले हैं और मोटे हैं, जिसको हम बनाने के लिए तैयार हैं और जो बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 या 4 रोज़ में वो इंशाल्लाह मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और वही फिर आगे सेल होंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। पाक भेड़िया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मलेशिया का दौरा किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मलेशिया आमद पर मलेशिया के नेवल चीफ ने पाक बहरिया के सरबराह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्हें एजाजी गार्ड ने सलामी भी पेश की। अमीर अल बहर ने मलेशियन नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर से अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि मुलाकातों में सरबराहान ने पाकिस्तान नेवी और मलेशियन नेवी के माबैन बहरी मशकों के इनेकाद और तरबियती प्रोग्राम्स के तबादलों पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने रीजनल सिक्योरिटी के जमन में पाक बहरिया की काविशों खुसूसन रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के इकदाम पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने मलेशियन नेवी की अमन मशकों में शिरकत करने पर मलेशियन नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक मलेशिया के नेवल चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी की तश्कील के सिलसिले में पाक बहरिया की काविशों की तारीफ की। तर्जुमान का कहना है कि नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदी। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। Do not live in a fool's paradise. बुशरा खान, तारा, तनाकादिन, कौकब फारूकी, नर्जी जुल्फिकार, तुबा शकील, टैक टीवी पाकिस्तान।